वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटरिंग फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज हम डिस्कस करेंगे ओड टू इवनिंग, रिटन बाय विलियम कॉलिंस। इस पोइम का लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन मैं अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप पहले उसे देख लीजिए तो ये नोट समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। द पोएम ओड टू इवनिंग वॉज रिटन बाय विलियम कॉलिंस। ये जो पोएम है ओड टू इवनिंग, ये विलियम कॉलिंस ने लिखी है। ही वॉज अ प्री रोमांटिक इंग्लिश पोएट हुज लिरिकल ओड्स वर न्यू क्लासिकल इन फॉर्म्स बट वर रोमांटिक इन थीम एंड फीलिंग। अब ये जो विलियम कॉलिंस थे, ये प्री रोमांटिक इंग्लिश पोएट थे, मतलब रोमांटिसिज्म स्टार्ट होने से पहले का पीरियड, तो ये ट्रांजिशनल पोएट थे। और इनके जो ओड्स है वो लिरिकल है, काफ़ी फेमस है ये अपने ओड्स के लिए। और इनके ओड्स में क्या मिलता है, न्यू क्लासिकल, मतलब उस ओड्स का फॉर्म जो है वो क्लासिसिज्म हमें रिफ्लेक्ट करता है। और इसकी जो थीम होती है और फीलिंग होती है वो रोमांटिक होती है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म, इसलिए इन्हें ट्रांजिशनल पोएट कहा जाता है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड ओड टू सिंप्लिसिटी, ओड टू इवनिंग, पर्शियन एकलॉग्स एक्सेट्रा। द प्रेजेंट पोएम ओड टू इवनिंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट ब्यूटिफुल पोएम रिटन बाय कॉलिंस। ये जो पोएम है ओड टू इवनिंग, ये बहुत ही फेमस है अपनी म्यूजिकल क्वालिटीज के लिए। ओड टू इवनिंग इज एन अनराइम्ड ओड विच इज अनयूजुअल बट इट नेवरथलेस हैज ग्रेट म्यूजिकल क्वालिटीज। अब ओड टू इवनिंग जो है वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि जनरली ओड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर राइम फॉलो किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर राइम नहीं है, अनराइम्ड ओड है, लेकिन इसमें म्यूजिकल क्वालिटी है। जिस तरीके से लिखा गया है, इट हैज ग्रेट म्यूजिकल क्वालिटीज। इट अपियर्ड इन ओड्स ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलेगोरिकल सब्जेक्ट 1746। इस कलेक्शन में इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था। इट इज़ अ पोएम ऑफ 52 लाइन्स, इसमें टोटल 52 लाइन्स है, डिपिक्टिंग द इवनिंग विद ब्यूटिफुल इमेजेस। द पोएम एम्फासाइजेज द थीम ऑफ ट्रांजिशन, इट शोज वेरियस चेंजेस इन द नेचुरल फिनोमिनॉन। अब ये जो पोएम है ओड टू इवनिंग, इसमें टोटल 52 लाइन्स है, जो कि इवनिंग को एक ब्यूटिफुल चित्र के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करती है। इसका जो थीम है वो है ट्रांजिशन, मतलब नेचर में होने वाले चेंजेस जो है वो इसमें नोट किए गए हैं। द पोएट ट्राइज टू अपील द गॉडेस ऑफ इवनिंग हेस्पराइड्स। अब इवनिंग की गॉडेस जो है उसे हेस्पराइड्स कहा जाता है, तो हेस्पराइड्स को ये अपील, मतलब खुश करने की कोशिश कर रहा है। He says that if the autumn music or pastoral songs is to play, he hopes to compose an ode to soothe the modest ears. A poet कह रहे हैं कि अगर autumn music, मतलब पाइप से निकलने वाला म्यूजिक, या फिर अगर लोकगीत सीज्ड स्टॉप हो जाए सुनाई देना, he hopes to compose an ode. तो ये पोएट जो है वो उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा ओड लिखे जो सूद आराम दे द मॉडेस्ट ईयर्स ऑफ द चेस्ट ईव। तो पोएट उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा ओड लिखे जो कि विनम्र कान, जो कि किसके हैं, इवनिंग के हैं, उसे आराम दे सके, ऑफ द चेस्ट ईव। ही विशेष टू कंपोज अ सॉन्ग इन हार्मनी विद द म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग्स एंड डाइंग गेल्स। अ पोएट जो है वो उम्मीद करते हैं कि वो इच्छा करते हैं कि वो एक ऐसा गाना लिखे जो सुसंगत हो, हारमोनी में हो, म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब झरनों से निकलने वाला जो संगीत होता है, या फिर बहती हवाओं से निकलने वाला जो संगीत होता है, उस संगीत के सुसंगत जो हो, ऐसा वो गाना लिखना चाहते हैं। द पोएट कॉल्स द इवनिंग एज निम्फ रिजर्व्ड एंड डिस्क्राइब्स द सनसेट। अब पोएट क्या करते हैं कि इवनिंग को डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उसे एक शांत परी के रूप में बताते हैं, और सनसेट को, मतलब सूर्यास्त का वो डिस्क्रिप्शन देते हैं। ही इमेजिन्स द सन एज अ मेल फिगर, वो कल्पना करते हैं कि सन जो है वो एक मेल फिगर है, विथ ब्राइट हेयर हु सिट्स इन द वेस्टर्न टेंट आफ्टर अ लॉन्ग डेज वर्क। एक ऐसा मेल फिगर, एक ऐसा आदमी जिसके सुनहरे बाल है, और वो अपने पश्चिम में जो एक तंबू है उसमें दिन भर का काम करके थक गया और बैठ गया है। द पोएट डिपिक्ट्स द क्लाउड्स एज द स्कर्ट ऑफ द सन हैंगिंग ओवर द सी। अब पोएट जो है वो सूरज के आसपास के बादलों को उसके स्कर्ट की तरह डिस्क्राइब करते हैं, जो कि समुंदर के ऊपर लटका हुआ है। इन द इवनिंग एवरीवेयर इज अ कंप्लीट साइलेंस, इवन द विंड हैज स्टॉप्ड,
शाम में क्या होता है कि सब तरफ एक तरीके की शांति होती है और हवा भी जो है बहना थम जाती है। बट द क्राई ऑफ द बैट एंड द हॉर्न ऑफ द बीटल आर ब्रेकिंग द साइलेंस। लेकिन चमगादड़ के रोने की आवाज़ और भंवरे के गुनगुनाने की आवाज़ जो है वो इस शांति को भंग कर रही है। द पोएट रिक्वेस्ट द इवनिंग कॉलिंग हर द मिड कंपोज टू टीच हिम टू प्रोड्यूस द मेलोडियस सॉन्ग हुज नोट्स विल सूट द स्टिलनेस ऑफ हर्ट्स। अब पोएट जो विनती करते हैं इवनिंग से संध्या से और उसे मिड कंपोज कहते हैं। मिड का मतलब होता है कुंवारी लड़की, मेडन जो कि शांत है, रिजर्व्ड है ऐसी लड़की, कि उसे वो ऐसा गाना सिखाए जो कि मेलोडियस हो, मधुर हो और जिसके सुर जो हो वो बिल्कुल उसकी शांति को सूट करने वाले हो, ऐसा गाना वो उसे लिखना सिखाए। द पोएट वंडर्स द पोएट वेलकम्स द री अपियरेंस ऑफ द ब्यूटिफुल इवनिंग। अब पोएट जो है वो दोबारा से खूबसूरत संध्या का जो है वो वेलकम करता है, उसका स्वागत करता है एंड टॉक्स अबाउट द राइजिंग स्टार्स इन द स्काई, और बातें करता है आसमान में उभरते हुए तारों की। ही कॉल्स कॉन्स्टलेशन ऑफ द स्टार्स एज अ वार्निंग लैम्प एज इफ इंडिकेट्स द अराइवल ऑफ द नाइट एंड द एंड ऑफ द इवनिंग। अ पोएट जो है वो जो कॉन्स्टलेशन होता है स्टार का, मतलब स्टार का जो ग्रुप होता है उसे एज अ वार्निंग लैम्प बोलते हैं, क्योंकि वो क्या बताते हैं कि अभी रात जो है वो आने वाली है, अराइवल ऑफ द नाइट, और इवनिंग जो है खत्म होने वाली है या डिपार्चर ऑफ द इवनिंग हम बोल सकते हैं। नाउ व्हेन द फ्रैग्रेंट अवर्स ऑफ द इवनिंग आर गोइंग टू एंड एल्व्स एंड निम्स आर अराइविंग लिविंग देयर टास्क। अब जब ये जो खुशबूदार वक्त है शाम के समय का ये अब खत्म होने वाला है, तो एल्व्स मतलब एक बौने क्रिएचर होते हैं, सुपर नेचुरल क्रिएचर्स, तो ये एल्व्स और निम्स मतलब परिया ये आती है अपना सब कुछ काम छोड़ के। दे प्रिपेयर अ कैरियट फॉर द इवनिंग फॉर हर फेयरवेल। और ये क्या करते हैं ये निम्स और एल्व्स आकर ये एक कैरियट एक रथ तैयार करते हैं शाम के लिए, क्योंकि अब वो जाने वाली है उसकी विदाई के लिए। द इवनिंग देन लीड्स टू सम स्नो कवर्ड लेक्स। और अपने रथ में बैठकर ये संध्या कहाँ जाती है, सबसे पहले तो ये एक ऐसे तालाब के पास में जाती है जो स्नो कवर्ड है, दैट चीयर्स द लोनली हिथ, और जो कि एक ओपन एरिया है जहाँ पर कुछ नहीं है। लोनली हिथ मतलब जहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा जो फील्ड है वहाँ पर ही जाती है। और सम टाइम हैलोड पाइल या फिर एक खंडर के पास में जाती है, और द फील्ड या फिर एक ऐसे खेत में जाती है जहाँ पर बीज बोने बाकी है लेकिन जमीन जो है वो तैयार है। द पोएट वॉन्ट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द इवनिंग। अ पोएट जो है वो इस इवनिंग की संध्या की जो खूबसूरती है उसे एंजॉय करना चाहता है। बट द विंड एंड द रेन फॉरबिड हिम फ्रॉम डूइंग सो। लेकिन ये जो हवाएं तेज बहने वाली हवाएं और बारिश है ये इसे रोक देती है ऐसा करने से। ही स्टेज बैक इन हिज लिटिल हट। और ये वापिस अपने छोटी सी कुटिया में रुक जाता है एंड ऑब्जर्व्स फ्रॉम द माउंटेन साइड वाइल्ड वुड्स स्वेलिंग फ्लड्स विलेजेस एंड बेयरली विजिबल चर्च टॉवर्स। और अपनी छोटी सी कुटिया में रह के ये क्या निरीक्षण करता है कि आसपास जो पर्वत है, पहाड़ियाँ है, जो घने जंगल है, जो उफनते हुई बाढ़ है, या फिर जो गांव है, या फिर बड़ी मुश्किल से नज़र आने वाली चर्च की जो टॉवर है मतलब मीनार है उसे ही ऑब्जर्व करता है। ही हियर्स द बेल ऑफ द चर्च दैट मार्क्स द एंड ऑफ द डे। और ये पोएट क्या सुनता है कि चर्च की बेल सुनता है जो क्या बताती है, क्या दर्शाती है कि आज का दिन जो है खत्म होने जा रहा है। द इवनिंग विद देयर ड्यूई फिंगर्स ड्रॉज द डस्की वेल ऑल ओवर। और ये इवनिंग क्या करती है कि अपने ड्यूई फिंगर से उस वाली बूंदों की फिंगर्स से उंगलियों से एक तरीके का डस्की वेल, डस्की मतलब अंधेरा, डस्क मतलब अंधेरा कह सकते हो, डस्की वेल जो है एक तरीके का डस्की वेल सब तरफ फैला देती है, इसलिए जैसे रात का आगमन होता हो। इन द नेक्स्ट लाइन्स द पोएट डिपिक्स द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस सीजन्स ऑन द इवनिंग। अगली कुछ लाइन्स में पोएट जो है वो चित्रित करते हैं कि कैसे अलग अलग सीजन्स जो है, अलग अलग मौसम जो है वो संध्या पर अपना प्रभाव डालते हैं। द स्प्रिंग सीजन शॉवर्स एंड बेथ्स द लॉन्ग ट्रेसेस ऑफ द इवनिंग। अब ये जो शॉवर मतलब ये जो बारिश वाला मौसम ही क्या करता है कि अपनी बौछारों से इवनिंग के लंबे लंबे बालों को धोता है, उसे नहलाता है। द समर सीजन प्लेज अंडर द लिंगरिंग ट्वाइलाइट।
और समर सीजन क्या करता है, क्योंकि इवनिंग में समर सीजन में क्या होता है कि ट्वाइलाइट जो है, मतलब शाम का संध्या काल का जो प्रकाश होता है काफ़ी समय तक रहता है, दिन जो है वो काफ़ी समय तक रहता है, तो उस ट्वाइलाइट में ये समर सीजन खेलता है। एंड द ऑटम सीजन जो कि पतझड़ का मौसम होता है, फिल्स द इवनिंग स्लैप विथ लीव्स, वो इवनिंग की संध्या की गोद को पत्तों से भर देता है। द विंटर सीजन फ्राइटन्स, और ये विंटर सीजन क्या करता है, डराता है, विद द ट्रबलस एयर, परेशान करने वाली हवा से इवनिंग को डराता है। इट फ्राइटन्स द इवनिंग बाय रूडली टियरिंग हर रोब्स, ये संध्या को डराता है बहुत ही निर्दयता से उसके कपड़े फाड़कर। इन द एंड द पोएट एडमिट्स दैट द चार्म ऑफ द इवनिंग शुड कंटिन्यू टू ब्रिंग पीस एंड हार्मनी एंड टू इंस्पायर फ्रेंडशिप पोएट्स साइंस एंड लवर्स ऑफ द पीस। पोएट कह रहे हैं कि ये जो विंटर सीजन है ये इवनिंग को डरा देता है, और एंड में पोएट जो है वो ये मानते हैं कि संध्या की जो खूबसूरती है वो ऐसी ही बनी रहे ताकि शांति और एक तरीके की सुसंगतता जो है वो पूरे नेचर में बनी रहे, प्रकृति में बने रहे, और ये जो संध्या है ये इंस्पायर करे, प्रेरित करे फ्रेंडशिप को, पोएट्स को मतलब आर्ट को, साइंस को मतलब तकनीक को, और लवर्स ऑफ द पीस। ओके, लवर्स ऑफ द पीस मतलब जो कि ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को ये शांति प्रदान करे। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द पोएम ओड टू इवनिंग ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स द इवनिंग एज अ डिवाइन बींग। अब हम सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि पोएट ने ओड टू इवनिंग में बहुत ही खूबसूरती से संध्या को एक डिवाइन बींग के रूप में प्रेजेंट किया है। द पोएम इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म, और ये जो पोएम है ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे विलियम कॉलिंस ने रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म दोनों के फीचर्स अपने पोएम में रिफ्लेक्ट किए हैं। तो अगर ये नोट्स आपको हेल्पफुल लगती है, हेल्पफुल साबित होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।